नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। एक नए सेशन में आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। बिहार पुलिस में 1 लाख सीटों पर बहाली निकलने वाली है। ये बहुत बड़ी न्यूज है उन लड़के लड़कियों के लिए जो बिहार पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख से भी ज़्यादा सीटों पर बम्पर बहाली आने वाली है बिहार पुलिस में। और वो 3 तरह के पोस्ट होंगे, ऐसा नहीं केवल कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, 3 तरह के पोस्ट होंगे। 3 तरह के पोस्ट कौन कौन से होंगे, तो आपको एक तो कांस्टेबल का पोस्ट होगा जिसमें लगभग आपको जो है 50,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ में आपके SI के पोस्ट होंगे, SI मतलब कि सब इंस्पेक्टर, जिसको आप दरोगा बोलते हैं, उसके भी आपको ज़्यादा संख्या में आपको वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। साथ में आपको उत्पाद विभाग में भी आपको बहाली देखने को मिल सकती है, मतलब कि तमाम तरह के वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बिहार पुलिस में। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 लाख से भी ज़्यादा होने वाली है आने वाले कुछ समय में। हम बिहार पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए आज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और इसकी बहाली कब आ रही है, कब इसका जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा, एक एक बात आपको हम समझाएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका फिजिकल कैसे क्या होता है, रिटर्न में कैसे क्या होता है, सब चीज आपको बताएंगे। ऑनलाइन आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब आपको बहाली आने की जो है मतलब कि पूर्णतः संभावना है, कितनी सीटों पर बहाली आएगी, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, सब चीज आपको A to Z इस वीडियो लेक्चर में आपको हम समझाने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि वैकेंसी की, नंबर ऑफ सीट की बात कर लें, तो देखिए 1 लाख, जैसे हमने बोला कि 1 लाख से भी ज़्यादा सीटों पर आपको बिहार पुलिस में वैकेंसी निकलने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि भाई नई सरकार बनी है, और नई सरकार में आपसे कहा गया था कि भाई हम 10 लाख हर साल रोजगार देंगे। तो जब 10 लाख रोजगार देंगे तो भाई कहीं ना कहीं देंगे तो ही तो आपको 10 लाख होगा। तो आपको शिक्षक टीचर की बहाली आपको बम्पर मतलब कि भारी मात्रा में होने वाली है, और उसके बाद से कांस्टेबल पोस्ट के लिए बिहार सरकार के द्वारा आपको भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने वाली है। तो हम लोग कांस्टेबल पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग आपको 50,000 सीटों पर आपको बहाली देखने को मिलेगी। और ये जो 50,000 वैकेंसी होगी वो एक ही बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उतनी आपको जो है ट्रेनिंग कराने की कैपेसिटी ही नहीं है। अगर 50,000 सीटों पर बहाली निकल जाए तो फिर उन बच्चों का ट्रेनिंग फिर करने में दिक्कत हो जाएगा। तो बहाली जो आएगी 50,000 तो आएगी, लेकिन उसको पार्ट वाइज करके आपको निकाला जाएगा। पार्ट वाइज करके कितना कितना निकाला जा सकता है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 12,000 प्लस करके आपको 3-4 टर्म में बहाली देखने को मिल सकती है। तो 2022 में आपको 12,000, 2023 में आपको 12,000, 2024 में आपको 12,000, मतलब कि ऐसे करके आप ये समझिए कि अगले 3-4 सालों तक आपके लिए सुनहरा, मतलब कि गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय अगले 3-4 साल तक चलने वाला है। वो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अगर चाहते हैं कि भाई हम पुलिस विभाग में अपनी सेवा दें, और आप बिहार राज्य से हैं या फिर बिहार के बाहर किसी भी राज्य से हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है अगला 3-4 साल। 2025-2026 तक आप समझिए कि एकदम वैकेंसी की भरमार होने वाली है। तो आप एकदम लग जाइए किसके लिए, तो एकदम इस बहाली के लिए, एकदम जो भी इसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जो है आज से आप स्टार्ट कर दीजिए, और एकदम ठान लीजिए कि भाई हमको तो एक सीट लेना ही लेना है। और ये आपके लिए अच्छा बात भी है, अगर आपको एक बार 50,000 वैकेंसी आ जाए, एक बार 50,000 बहाली आ जाए, तो उसमें आपको मौका तो एक ही बार मिलेगा ना। लेकिन अगर आपको 12,000 करके चाहे 14,000 करके आपको जो है 3-4 टर्म में बहाली आती है, तो प्रत्येक बार आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और प्रत्येक बार पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके लिए और अच्छा है कि भाई आपको बार बार मौका मिलने वाला है। तो आपको जो है देर नहीं करना है, विलंब नहीं करना है, जो भी उसका प्रोसीजर है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जो भी उसका प्रोसीजर है, जो भी उसमें प्रक्रिया है, जो भी उससे उसके लिए सिलेक्शन के लिए जो भी अनिवार्य घटक की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो भी जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं, उसको एकदम फुलफिल करने के लिए आप एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, आपका एक सीट निश्चित रूप से आपका होगा। तो अब इसके सिलसिले
इसका हम क्राइटेरिया योग्यता की बात कर लेते हैं कि आप अगर कांस्टेबल पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले जब बहाली आएगी तो उसके लिए क्राइटेरिया जो डिमांड किया जाएगा, योग्यता आपसे रखा जाएगा, उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपके लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि आपके पास अगर एज लिमिट की या फिर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से लेकर 25 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। यानी कि आप अगर कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष के रेंज में हैं, कब, तो जब बहाली आती है तब। वहां पर डेट मेंशन रहता है कि एज कब से काउंट होगा, वहां पर जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उस समय आपको लिख दिया रहता है। तो वहां पर आपको जो डेट मेंशन किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आप, ये जो है सबके लिए, लेकिन चूंकि आप बिहार में हैं तो आप जो है विशेष वर्ग के तहत आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। ये जो हम बोले किसके लिए बोले, तो जो जनरल कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं या फिर जो अनरिजर्व मतलब कि यूआर कैटेगरी वाले बच्चे हैं या फिर जो अदर स्टेट, जो बच्चे अदर स्टेट से, अगर आप यूपी से हैं, आप जो है राजस्थान से हैं, आप एमपी से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को, जब आएगी वैकेंसी तो आप इसके फॉर्म को फिलअप करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है एज में किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलेगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। छूट उन्हीं को मिलता है तो जो बिहार राज्य के निवासी हैं और साथ में या तो बी या फिर एबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको छूट मिलता है, बाकी जो है किन्हीं को छूट नहीं मिलता है। क्लियर? तो एज लिमिट आपको हम बता दिए कि एज लिमिट आपका 18 से क्या है, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष है। और साथ में कैटेगरी का जो बेनिफिट आपको मिलेगा एज में, अगर आप बी या फिर एबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं और आप लड़के हैं, लड़के मतलब मेल हैं, तो आपके लिए एज में कितना छूट मिलेगा, 2 वर्ष का छूट मिलेगा। यानी कि आपके लिए जो एज लिमिट होगा वो हो जाएगा 18 से 25 प्लस 2 मतलब 18 से कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। आपके लिए एज लिमिट कितना होगा, अगर आप बी ईबीसी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगा दोस्तों 18 से 27 वर्ष। अगर आप बी ईबीसी कैटेगरी से हैं, आप फीमेल हैं, तो लड़कियों के लिए इसमें आपको 3 साल की छूट मिलता है, तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगा 18 से 25 और 3 28 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आप फीमेल हो या फिर मेल हो, एससी एसटी कैटेगरी से आप फीमेल हो या फिर मेल हो, तो आपको एज में कितना छूट मिलेगा, तो आपको दोस्तों मिलेगा एज में 5 साल का छूट मिलेगा, 5 वर्ष का आपको छूट मिल जाता है। यानी कि आपके लिए एज लिमिट कितना हो जाएगा, तो 18 वर्ष से लेकर 25 तो सबके लिए है, आप 25 में 5 आप और जोड़ दीजिए, तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल है, तो आपके लिए एज लिमिट आपका 18 से 30 हो जाएगा। क्लियर है? 18 से कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो एकदम इत्मीनान से आप जो है तैयारी कीजिए, लगे रहिए, और जो भी उसका प्रक्रिया है, प्रक्रिया को एकदम पूरा करके जॉब लेने का आपका 100% प्रयास होना चाहिए। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं, अगर आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करिए, तो आपका एज लिमिट हमने बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है 12th पास। अब 12th पास जो भी बच्चे हैं, 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम्स का मतलब ये हो गया कि आप आर्ट्स से हो या फिर आप जो है साइंस से हो या फिर आप कॉमर्स से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है 12th पास हो, किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप 12th पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ये एज लिमिट जो दिया गया है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, साथ में ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो अब आपके मन में आ सकता है कि क्या हम ग्रेजुएशन किए हैं तो हम इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आप मिनिमम, हम बता रहे हैं मिनिमम आपको 12th पास, अगर 12th के बाद से कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई 12th सिंपल किया है, तो सब कोई भर सकता है, लेकिन जो मैट्रिक किया है वो नहीं भर सकता है।
क्लियर। तो अब जो है ये आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिए। अब अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आपके पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका जो है 21,700 से लेकर 69,100 है। मतलब आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जब होगा तो आपको स्टार्टिंग में 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का आपका मंथली सैलरी होने वाला है। क्लियर। तो आपको हमने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, आपके एज लिमिट हमने बता दिया, और ये आपको हमने बताया कि भाई कितना आपके हैंड में आएगा, कितना आपका पेमेंट होगा, कितना आपके सैलरी बनेगा। तो 30 से 40,000 के आसपास आपका बनता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है आज के दौर में। स्टार्टिंग में आपको 30 से 40,000 कमाने के लिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बहुत मशक्कत करना पड़ता है। आपके पास उसके साथ साथ कोई टेक्निकल स्किल होना चाहिए, तब जाके आप कमा पाएंगे। तो आपका अगर सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है, कांस्टेबल पोस्ट पर, तो आगे के लिए आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। तो आपको जो है स्टार्ट कर देना है दोस्तों। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके का फायदा उठाइए और एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। जो भी नीड है, जो भी जरूरत है इस वैकेंसी के लिए, उस वैकेंसी, उस नीड को, उस जरूरत को, उस डिमांड को आप पूरा कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। एक सीट आपका पक्का। अब देखिए आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों होगा रिटन एग्जाम। सबसे पहले क्या होगा, आप जब फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद से सबसे पहले आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद से आपका क्या होगा, पीएचटी होगा और पीईटी होगा। पीएचटी अलग होता है और पीईटी अलग स्टेज है, दो अलग अलग स्टेज है, आपको हम अभी समझाएंगे। और उसके बाद से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की, कि रिटन एग्जाम जो होगा वो किस टाइप का होगा, कितने नंबर का होगा। तो रिटन एग्जाम दोस्तों समझिएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपका भाग साथ है, अगर आप जो है तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, मतलब कि आपको अगर नहीं भी आता है तो लगाना तो है ही, लेकिन तुक्का लगाना एक अलग टेक्निक होता है। अगर आपको जो है, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जानते ही नहीं है, बिल्कुल आप जानते ही नहीं है फिर आप तुक्का लगाएंगे तो गलत होगा ही होगा। लेकिन एक होता है ना भाई, आप जो है किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो है आपको लगता है कि हाँ ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो तुक्का लगाने मतलब क्या होगा, कि भाई आप पहले से कुछ जानते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, तो आप जो है संदेह में थोड़ा सा है, आप उसको लगा दिए तो वो तुक्का लगाना हो गया। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जानते नहीं हैं और आप ये एकदम ऐसे लगा दिए तो वो तो गलत होना ही भाई, ठीक है। तो उसे भी बेनिफिट होगा, होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको 100 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो आपको जो है 100 में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 100 में 100 को आपको रंगना है। और ये कैसा पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ओएमआर शीट आपने देखा होगा, आप एग्जाम दिए भी होंगे, तो ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव इसमें मार्किंग है नहीं और ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन, ये जी हाँ ये ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पूछे जाते हैं साइंस पूछेगा, जीके पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, साथ में हिंदी रहेगा। इंग्लिश और हिंदी आपको जो है दोनों रहते हैं, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, और साथ में आपका मैथ और साथ में आपका जो है करंट अफेयर से प्रश्न भी रहते। अब इसमें देखिए साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 30 के आसपास रहते हैं, 30 के आसपास होंगे, जिसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, ठीक है। और जीके की बात कर लें तो जीके में आपका जो है पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब मिलाकर आपको जो है 30 क्वेश्चन के आसपास रहता है। करेंट अफेयर से आपको जो है 5 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि करेंट अफेयर, साइंस, जीके, ये सब मिला उला कर जो है आपको कंप्लीट जो है 70 से 75 नंबर के क्वेश्चन से यहीं से बनने वाला है। मतलब सारा खेल यहीं पे है, सारा खेल किस पर है, जीके जीएस पर है। अगर आप इस पर कमांड कर लिए तो समझिए कि आप एकदम बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले नहीं है, आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। क्योंकि मेन लोचा फिजिकल में है भैया, यहाँ पर तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके आधार पर आपका मेरिट बनने वाला नहीं है, ये जो है केवल क्वालिफाई करना है। अच्छा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी की बात कर ले तो इंग्लिश कभी 7 पूछता है तो हिंदी कभी 8 पूछता है। मतलब कि 7-8 7-8, मतलब आप ये समझिए कि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आपको जो है 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके जी एस आपको मिला के सब, साइंस वगैरह, करेंट अफेयर सब मिला के 70 से 75 क्वेश्चन, और मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन मिला के टोटल आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन बनता है। और नो निगेटिव
पेपर आपका होता है। तो अब इसमें आपको बनाना कितना है, बनाना मतलब बनाना तो 100 में 100 बनाना है, लेकिन उसमें कितना आपका सही हो जाना चाहिए। तो वैसे जो है, जो आपका विभाग जब नोटिफिकेशन निकालता है उसमें लिखता है कि अगर आप 30% नंबर लाते हैं तो आप जो है अगला स्टेज कौन सा है, तो PhD और PT है उसके लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन भैया यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है, आप अगर 30% 100 का 30% जो कि 30 नंबर हुआ, अगर आप उतना लाओगे तो समझो कि आप नीचे से टॉप करोगे। आपका जो है रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, आप जो है सबसे निचले पायदान पर रहोगे, क्योंकि इसका रिटेन एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है तो 75+ रहता है। तो आपको अगर अगले स्टेज के लिए अपने सीट को सिक्योर करना है तो आपको कम से कम मान के चलिए भैया कि 75 नंबर 100 में से 75 नंबर लाना पड़ेगा। वो पढ़ के लाए, चाहे घुसघास देकर लाए, चाहे भगवान भरोसे हनुमान जी का नाम लेकर जो है तुक्का लगा कर लाए, आपको किसी भी तरीके से 75 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके आपका रिटेन एग्जाम क्लियर होगा। और रिटेन एग्जाम क्लियर होने के बाद से ऐसा नहीं कि आपका जॉब हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, वहां पर उसके बाद से आपका मेन है ये वाला, ये PhD और PET मेन लोचा यहीं पर है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनने वाला है PET पर, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पर। PET क्या होता है, PhD क्या होता है अब हम बताएंगे, लेकिन आप ये याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपका मेरिट बनने वाला है किसके आधार पर, PhD और PET के आधार पर बनने वाला है, ठीक है। रिटेन एग्जाम को केवल क्वालिफाई करना है, उसके लिए भी आपको कम से कम 75+ नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आप केवल क्वालिफाई होएगा। अब उसमें यह देखा जाता है कि आप जो है रिटेन एग्जाम में आप पास कर गए, तो रिटेन एग्जाम में जो बच्चे पास करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पास करते हैं, और आपको हम ये जानकारी दे दें कि जो PhD और PET जो अगला स्टेज होता है, इसमें रिटेन एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितना वैकेंसी होता है, जितना वैकेंसी, समझ लीजिए वैकेंसी 12,000 है, तो अब जो है रिटेन एग्जाम के बाद से PhD और PET में कितने बच्चों को लिया जाएगा, तो पांच गुना बच्चों को लिया जाता है, 5 गुना, यानी कि अगर आपको वैकेंसी 12,000 है तो PhD PET के लिए कितने बच्चों को यहां से क्वालिफाई किया जाएगा, तो 12,000 का 5 गुना 60,000 बच्चे इसमें आपको अपीयर होंगे, इसमें मतलब PhD और PET में अपीयर होंगे, मतलब कि उनको मौका मिलेगा, क्लियर है। तो आप देखो भाई PhD क्या होता है, PhD होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होता क्या है, तो इसमें आपके जो है लंबाई को मापा जाएगा, लंबाई मतलब हो गया हाइट को मापा जाएगा, आपके चेस्ट को मेजर किया जाएगा, और साथ में आपके जो है वजन वगैरह को भी मापा जाएगा, मतलब कि इसी माप तौल, आपके शरीर के माप तौल की बात यहाँ पर की जाएगी। और जब इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब कि आपका हाइट वगैरह ठीक है, चेस्ट वगैरह ठीक है, आपको वजन वगैरह ठीक है, ये सब आपको देखा जाएगा, देखने के बाद से अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद से आपका होगा PET। PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब कि आप जो है केवल ऐसे देख ही रहे हो या फिर शरीर में दम है कि नहीं है, इसकी जांच, इसकी टेस्ट किसके माध्यम से होती है, PET के माध्यम से होती है, ठीक है। तो PhD और PET के बारे में हम आपको अभी डिटेल बता रहे हैं, चलिए आप उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद से जो आपका अगला स्टेज होगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा PhD। PhD का मतलब आपको हम बताए भी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा। हाइट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी से आप हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर आप BC से हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर या आप बोल सकते हैं 5 फीट 1 इंच के आसपास अगर आपकी हाइट है तो आप कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए एलिजिबल है हाइट के मामले में। साथ ही अगर आप फीमेल ऑल कैटेगरी, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लड़कियों के लिए हाइट का जो मामला है वो है 155 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम होगा तो मामला गड़बड़ है भैया। फीट में देखेंगे तो 5 फीट के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट मतलब कॉन्स्टेबल के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम SC ST या फिर EBC की बात करें तो इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, जिसको आप 5 फीट 2 इंच भी समझ सकते हैं, इतना आपको होना चाहिए। हाइट की बात हमने कर लिया,
फिर से आपको बता दें कि फीमेल, अगर आप हैं, फीमेल हैं, आप किसी भी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए हाइट आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। इससे अगर आपका, अच्छा हम जो भी बताएं यहाँ पे ये सब हम मिनिमम बताएं, इससे अगर आपका कम है तो फिर आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा कम है तो चल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ना कम हो के बहुत कम है तो फिर आपको दिक्कत होगा। और हमको लगता है कि भाई इतना तो आपको होना चाहिए, अगर आप पुलिस विभाग में सेवा देना चाहते हैं, अगर इतना नहीं है तो फिर क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की, ये हाइट की हम बात कर लिए, चेस्ट की बात कर लिए। तो चेस्ट में जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए, बच्चों मतलब यहाँ पे केवल क्या है भैया, लड़के, लड़कियों का तो चेस्ट मेजर होगा नहीं, लड़कों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो आपका चेस्ट जो है बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूलने के बाद आपका चेस्ट 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ हम एससी एसटी कैंडिडेट की बात कर लें तो इनके लिए चेस्ट का स्टैंडर्ड रखा गया है बिना फूले 79 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी जरूरी है, अनिवार्य है। जब आप इसको पास कर जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, माप तौल वाला भाग काम हो गया, इसमें हमने आपके शरीर के माप तौल का काम कर लिया। और जब इसको पास कर जाएंगे तो अब आपकी होगी पीटी का मतलब हो गया फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब आपको देखा जाएगा कि भाई शरीर आपका केवल फूला है कि भाई शरीर में कुछ है भी, जान वगैरह है कि नहीं, इस सब आपको देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, तो आपका दौड़ होगा, दौड़ 1.6 मील बोलिए यहाँ पे मील होगा, मील की या फिर आप समझ सकते हैं 1600 मीटर की दौड़ होगा। किसके लिए, तो लड़कों के लिए, लड़के अगर आप हैं, लड़कों के लिए आपका दौड़ कितना है 1600 मीटर का दौड़ है। और आपको हमने बता दिया कि इसमें मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है, ध्यान से सुनिए, मेरिट आपका बनने वाला है किसके आधार पर, तो आपका पीटी के आधार पर। रिटेन को केवल क्वालिफाई करना है भैया, रिटेन को केवल पास कर लेना है, और पास करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि कट ऑफ जाता है, ऊपर सेटिंग वोटिंग का पैसा उसका मामला रहता है। तो आपका जो है समझ के चलिए, आपको फिर बता रहे हैं कि आपको 75 प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, रिटर्न क्लियर होगा। रिटर्न क्लियर होने के बाद से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अगले स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो गए। मेन मामला यहां पर है भैया पीटी का, क्लियर। तो आपको जो है दौड़ बनाना पड़ेगा, दौड़ जो है ना कोई बच्चों का खेल नहीं, एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको वर्षों प्रयास करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो भाई केवल दौड़ना ही नहीं है, टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आप देखो दौड़ आपके कितने नंबर का है, पूरे के पूरे 50 नंबर का है। जो दौड़ आपका होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। और मेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है 1600 मीटर, और उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मिनट मैक्सिमम। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा ले लिए तो आप बाहर हो जाएंगे, भले आपने रिटेन पास किया हो, रिटेन में आपका 100 में 100 नंबर क्यों ना हो, लेकिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्लियर। आपको जो है 6 मिनट मैक्सिमम समय मिलेगा, आपका प्रयास होना चाहिए कि भाई 5 मिनट से आपका कम समय लगे, क्योंकि 5 मिनट से अगर आप कम समय लेंगे, अगर आपका 5 मिनट से कम समय का मतलब क्या हो गया, 4 मिनट आप अगर मान लीजिए कि 59 सेकंड ले लिए समय, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा कितना नंबर मिलने वाला है, 50 नंबर मिलने वाला है भैया। तो आपका प्रयास होना चाहिए भाई 50 में 50 नंबर लें, और ये एक दिन में नहीं होगा, 5 मिनट बहुत कम समय होता है, कितने दौड़ के लिए, तो 1600 मीटर के लिए, ठीक है। हम ये नहीं करें कि आप दौड़ नहीं सकते, आप दौड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर टाइम को मैनेज करना है भैया, जितना आप कम समय में दौड़ोगे उतना आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, क्लियर। अब देखो लड़कियों की बात कर लें तो लड़कियों के लिए सभी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, ऑल कैटेगरी के लिए आपका 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपके लिए है, और ये कितने नंबर का है, 50 नंबर का है, और आपके लिए मैक्सिमम समय कितना रखा गया है, तो 5 मिनट मैक्सिमम। 5 मिनट से आप ज्यादा ले लिए तो आप बाहर हो जाएंगे, 5 मिनट तक अगर आप समय लिए तो आपको बहुत कम नंबर 20 नंबर के आसपास मिलता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि भाई हम 4 मिनट से भी कम समय लें, क्योंकि जो बच्चे मतलब जो बच्चियां या फिर जो लड़कियां 4 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा कर लेंगी कितने किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का या फिर 1000 मीटर का, उनको जो है पूरे 50 अंक में 50 अंक मिल जाएगा। तो आपको जो है दौड़ बनाना है भैया, तो अगर आपको सेवा देना है बिहार पुलिस में, तो आप जो है मेवा खाने के लिए अभी से लग जाइए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन कब आएगा हम अभी बताने वाला है, उसका वेट न करते हुए आएगा, या आप मान के चलिए 100% मान के चलिए बहुत जल्द आएगा, कब आएगा आपको बता रहे हैं। तो आप जो एकदम लग जाइए, अभी से लग जाइए।
अब जो है ये तो हमने बता दिया कि भाई सबसे पहले आपका ये 50-50 नंबर का बता दिया हमने, लड़कों के लिए 50, लड़कियों के लिए बता दिए। इसके बाद आपका क्या होगा, गोला फेंक। गोला फेंक आपको कितने नंबर का है, 25 नंबर का है, 25 नंबर का आपका गोला फेंक होता है। लड़कों की बात करें तो लड़कों को लगभग 16 पाउंड, लगभग नहीं 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है, कम से कम हम बोल रहे हैं 16 फीट, कम से कम 16 फीट फेंकना है। उससे अगर आपने कम फेंका तो बाहर हो जाओगे, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्लियर। लड़कियों के लिए अगर हम गोले फेंक की बात करें तो इनके लिए भी आपका 25 नंबर का ये होता है, 25 अंक यहां पर निर्धारित रहेगा। आपको 12 पाउंड लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला कितना दूर, तो कम से कम 12 फीट भैया, कम से कम, ज्यादा जितना फेंक दो, जितना ज्यादा दूर फेंकोगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, क्लियर। तो ये आपका गोला फेंक कितने नंबर का हो गया, 25 नंबर का हो गया। अब इसके बाद से अंतिम है आपका ऊंची कूद, ऊंची कूद मतलब हाई जंप। लड़कों को कूदना है कितना, तो मिनिमम 4 फीट, कम से कम आपको 4 फीट कूदना है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कम से कम कितना, 3 फीट। और ऊंची कूद में भी आपको 25 मार्क्स आपको रखा गया है, जितना ज्यादा आप कूदेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो है आप देख सकते हैं कि दौड़ में आपको 50 नंबर हो रहा है और गोला फेंक में 25 हो रहा है, 25 और 50 75, और ऊंची कूद मतलब हाई जंप में आपका कितना हो रहा है, 25 नंबर, टोटल 100 नंबर हो गया। और 100 नंबर का जो ये पीटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसी के हिसाब से, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो भैया इसमें मेन यही है, मेन आपका पीटी है। तो ऐसा नहीं कि भैया आपको डायरेक्ट पीटी में मौका मिल जाएगा, पीटी में मौका पाने के लिए पहले आपको रिटेन पास करना पड़ेगा, और रिटेन जो है तगड़ा होता है भैया, रिटेन जो है एकदम रगड़ के पढ़ना पड़ेगा तब जाके रिटेन निकलेगा, और रगड़ के दौड़ना पड़ेगा तब जाके आपका पीटी निकलेगा। तो अगर आपको एकदम सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, सिलेक्शन पाना है तो अभी से लग जाइए। अब हम बता देते हैं कि जो संभावित डेट है वैकेंसी आने का, आप ये मान करके चलिए कि अक्टूबर लास्ट 2022, अक्टूबर के जो है अंत में, अंत मतलब कि लास्ट तक आपको जो है वैकेंसी आने की संभावना है, पूरी की पूरी संभावना है 2022, पूरी की पूरी संभावना है अक्टूबर लास्ट तक, मतलब कि आप समझिए कि नवंबर से पहले और अक्टूबर के लास्ट तक हम ज्यादा संभावना है कि भाई अक्टूबर में आपकी वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी। आपको वैकेंसी कितनी रहेगी, तो 12,000 से भी ज्यादा वैकेंसी होगी। तो एकदम आप लग जाइए, एकदम लग जाइए, अभी से शुरुआत कर दीजिए, वैकेंसी का आने का वेट ना कीजिए, वैकेंसी आएगा है। आप अगर अभी से लग जाएंगे तो अभी से लगने के बाद से आप उन बच्चों से आगे रहेंगे जो बाद में चल के तैयारी करेंगे। तो एकदम फोड़ देना है भाई, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से लगना पड़ेगा, एकदम वैकेंसी आने वाली है। आप जो है उसकी टेंशन ना करते हुए अक्टूबर आप मान लीजिए ना, नवंबर से एकदम पहले आ जानी है, 2022 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही, मिलने वाली है, क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है कि भाई आपको इस सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक एकदम दबा के ठोक दीजिएगा, और अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नए खुशखबरी के साथ। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए।